असलकम स्टूडेंट मैं शेख मोहम्मद मौजम प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था प्रोबेबिलिटी का प्रोबिलिटी के जो इंट्रोडक्शन में बच्चों हमने पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट सेकेंड आउटकम्स थर्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स फिर उसके अंदर सैम्पल स्पेस हैड टेल कोइंस काइन का एक आ कोइन टू कॉइन एंड थ्री कॉइन आ काइन में क्या पॉसिबिलिटी थी टू टू कोइन में क्या पॉसिबिलिटी थी फोर थ्री कॉइन्स में क्या पॉसिबिलिटी थी एट उसी तरह डाइस में आठ रोन एक पासे को जब हमने फेंका तो क्या पॉसिबिलिटी थी सिक्स और दो पासे को जब हमने फेंका तो पॉसिबिलिटी कितनी थी थर्टी सिक्स और कार्ड्स के बारे में पढ़ा था प्लेइंग कार्ड्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन ईजी है पूरा का पूरा थेरी है बच्चों सिर्फ रिटर्न लिखना इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है तो अच्छे से ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है क्या पूछ रहा है हम उस पे देखते हैं पहला इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट करते हैं हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बच्चों ये बोल रहा है कि आपके नीचे दिए हुए जो भी क्वेश्चंस है उसके अंदर पॉसिबिलिटी कितनी है इसी तरह उर्दू उधुमर जैल के तजुर्बात में से हर एक से मुतिक कितने अमकान आते हैं नीचे दिए हुए तजुर्बात में बच्चों आपको बताना है कि कितने अमकान आते हैं पॉसिबिलिटी जो हमने पहले ही कर चुके हैं कॉइन्स में किया हमने वन कॉइन में टू कॉइन में थ्री कॉइन में पॉसिबिलिटी आपने देखा आ कॉइन रहेगा ए कॉइन रहेगा तो क्या आएगा चांस हेड या टेल टू कॉइन में एक साथ करेंगे तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हैड इसी तरह बच्चों यहाँ पे जो हमारे सवाल है इसके हमें हमने अंदर चेक करना है सी पॉसिबिलिटी क्या है चांसेस कितने ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनीता नोन नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र शी इज़ प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर वेकेशन वनिता महाराष्ट्र की कुछ प्लेसेस के बारे में जानती है वो इस समर वेकेशन में जाने के लिए ट्राई कर रही है प्लान बना रही है ठीक है वो प्लेसेस के नाम क्या है देखते हैं चेक करते हैं फर्स्ट प्लेस अजिंता महाबलेश्वर लोनार सरोवर ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अम्बोली रायगढ़ माथेरान आनंदवान बच्चों वनिता जो है महाराष्ट्र के इन प्लेसेस के बारे में जानती है और इन प्लेसेस में एक प्लेसेस या दो प्लेसेस हमें नहीं पता कितनी जगह जाने वाली है बट इस जगह इन प्लेसेस में वो क्या है घूमने जाने वाली है तो कौन कौन से प्लेसेस है अजंता फर्स्ट महाबलेश्वर सेकेंड लोनार सरोवर थर्ड ताड़ोबा फोर अंबोली फाइव रायगढ़ सेवन आनंद वन एट तो हमारे पास वनिता के पास पॉसिबिलिटी कितनी है प्लेसेस की एट प्लेसेस की तो पॉसिबिलिटी कितनी हुई बच्चों आठ तो हमारा आंसर होगा हेयर एट साइड्स ऑफ महाराष्ट्र आर गिवेन हमें महाराष्ट्र की कितने साइड जिए हुए आठ देर आर एट पॉसिबिलिटी इनडम एक्सपीडेंट ऑफ विजिटिंग आउट ऑफ एट साइट इन महाराष्ट्र वनीता के पास आठ प्लेसेस हैं, आठ में से कहीं भी वो घूमने जा सकते हैं हमें पता नहीं है ठीक है इसी तरह उर्दू मीडियम में आते हैं बच्चों वनीता को महाराष्ट्र में जेल के काबिल दीदी मकाम की मालूम है इनमें से एक मकाम पर वो मई के तत्ल में जाने वाली है वनीता को इन प्लेसेस के बारे में मालूम है इनमें से वो मई के महीने में मतलब समर वेकेशन में एक प्लेस में घूमने जाने वाली है पर कहा जाने वाली हमें पता नहीं है वैसे आपको कहीं जाने का नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है फिलहाल अभी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है पढ़ाई पे ठीक है वनीता को महाराष्ट्र में जिले के काबिल मकाम की मालूमत है इनमें से एक मकामा पर मई के ततील में वो जाने वाली है एक प्लेस पर हमारे पास प्लेस के ऑप्शन कितने कितने चांस है कितनी जगह है वो देखते हैं अजंता महाबलेश्वर लोनार झील तड़ोबा चिड़ियाघर अम्बोली रायगढ़ माथेरान आनंदवन टोटल कितने प्लेस है बच्चों आठ अब वनीता इन आठ में से कहीं भी जा सकती है हमें पता नहीं है तो देखते हैं हमारा जॉब क्या होगा वनीता महाराष्ट्र के इन आठ मकाम में से कोई एक मकाम पर तफरी के लिए जा सकती है वनीता कोई भी एक मकाम पर जा सकती है पर चांस पॉसिबिलिटी कितनी है अमकानात कितने अमकानत कितने आठ तो हमारा जॉब होगा इसलिए इसके पास आठ अमकानात है आते दूसरे सवाल स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन आगे की क्वेश्चन भी पूरे थेरी है सेकंड थर्ड फोर्थ वन हमने देखा मैंने पूरे क्वेश्चन लिखा था फिर आंसर लिखा था यहाँ पे भी क्वेश्चन और आंसर मैंने क्या किया डायरेक्ट आंसर्स को यहाँ पे कॉपी कर दिया है आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको बुक में से देखना है और आंसर्स बोर्ड पर अवेलेबल है स्टार्ट करते हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ इंग्लिश मीडियम का इधर है उर्दू मीडियम का इधर है मैं एक एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली आपको वीक के अंदर का कोई भी दिन सेलेक्ट करना है हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है सेलेक्ट करने की वीक में डेज कितने हमारे पास सेवन मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे पर हमारे पॉसिबिलिटी सेवन डेज़ की एनी डे कोई भी डेज हमें सेलेक्ट करना है एग्जाम्पल लेते हैं अगर आपको बोला जाए वीक में कोई भी एक दिन आप हॉलिडे ले सकते हो तो आपको सेलेक्ट करना है तो पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास सेवन आंसर हमारा क्या होगा सेवन पॉसिबिलिटीज़ तो आंसर लिखने का तरीका देर आर सेवन डेज इन अ वीक के लिए आते हैं। एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखि करना है एक हफ्ते के अंदर जो दिन है उन्हें बेतरतीब तरीके से क्या करना है मुंतखि करना है कोई भी हमें अब हमारे पास वीक में कितने दिन है मैंने बताया सात मंडे से लेकर संडे कितने डेज है सेवन कोई भी दिन को मुंतब करने के पॉसिबिलिटी कितनी है सेवन ठीक है तो पॉसिबिलिटी हमारा अमकान कितने हुए सेवन आंसर होगा एक हफ्ते में सात दिन होते हैं किसी एक दिन को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करने के लिए सेवन अमकान हैं अगला सवाल नेक्स्ट थर्ड सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड

ताश की गड्डी में ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालना है अब ताश की एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं बावन बावन पत्तों में कितने ग्रुप से डायरेक्ट फाइनल चार बच्चों एक लफ्ज इस्तेमाल होगा इसमें कबील बावन पत्तों की एक गड्डी में चार कबील होते हैं कितने कबील होते हैं चार पर टोटल पत्ते कितने हुए बावन तो बावन पत्तों में से एक पत्ता निकालना है तो हमारे पास अमकान कितने हुए बावन अमकाना हुए आते हैं हमारा जवाब ताश की गड्डी में बावन पत्ते होते हैं किसी एक पत्ते को बेतरतीब के तजुर्बे से निकालने के कितनेमकान आते हैं बावन मैंने अल्फाज यूज़ किया कबील सवाल के अंदर हमारे सवाल में भी ऐसे पूछा जाएगा कि बावन पट्टों की एक गद्दी में चार कबील होते हैं तो हमें वहाँ पे देखना है ध्यान रखना है आगे चौथा सवाल वन नंबर फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी वन नंबर फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी इज रिटर्न ऑन ईच कार्ड ये बोल रहा है बच्चों एक नंबर हर कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो नंबर यहां से यहां तक है कहां से टेन टू ट्वेंटी मतलब एक कार्ड पे टेन लिखा है सेकंड सेकेंड पेल्व थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है टेन टू ट्वेंटी कितने कार्डे टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी टोटल कार्ड कितने हो गए 11. एक कार्ड निकालने की पॉसिबिलिटी हमारी कितनी हो गई इलेवन तो हमारा आंसर क्या होगा आंसर होगा बच्चों देर आर एलेवन कार्ड नंबर फ्राम टेन टू ट्वेंटी हमारे पास बोल रहा है कि ग्यारह कार्ड्स है कहां का से कहां तक दस से बीस तक टेन टू ट्वेंटी देर आर एलेवन पॉसिबिलिटीज इन अ रेंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग वन कार्ड फ्राम द गि सेट ऑफ कार्ड इसी तरह उर्दू मीडियम के लिए हर कार्ड पर एक अदद हर कार्ड पर एक अदद इस तरह दस से बीस तक आदाद लिखे हुए हर कार्ड पे एक अदद लिखा हुआ है दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस टेन टू ट्वेंटी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है हर कार्ड पे आगे इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे से निकालना है इनमें से एक कार्ड निकालना है दस से बीस तक कितने कार्ड होते हैं ग्यारह कार्ड होते हैं ग्यारह कार्ड में से एक कार्ड निकालना है पर हमारे पास एक कार्ड निकालने के अमकाना चांस कितने हैं टोटल चांस है ग्यारह तो हमारा जवाब होगा बच्चों दस से बीस तक अदद लिखे हुए कुल ग्यारह कार्ड हैं इनमें से एक कार्ड को बेतरतीब तरीके से निकालने के ग्यारह अमकाना हैं बच्चों ये पूरा था थेरी पार्ट हमारे लिए एक से लेके चार वन से लेके फोर तक आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है अच्छे से लिखना है और नोट्स कंप्लीट रखना है